देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियों में इस वक्त लव जिहाद और लैंड जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है और इससे जुड़े कई मामले सामने आने के बाद लोगों में अधिक आक्रोश भी है। ऐसे में ऑल इंडिया सूफी सज्जादान शीन काउंसलिंग की ओर से पीरान कलियर शरीफ दरगाह में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की एकता और गंगा जमुना तहजीब को लेकर सूफी संत अपने विचार रखेंगे। हरिद्वार पीरान कलियर शरीफ दरगाह के एजाज साबरी सजदा नशीन का कहना है कि ऑल इंडिया सूफी सजदा नशीन काउंसलिंग की ओर से पीरान कलियर शरीफ में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों में प्यार का पैगाम पहुंचाना है। वहीं इस कार्यक्रम में देश भर के सूफी संत धर्मगुरु अपने विचार रखेंगे। इसके माध्यम से गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। आने वाली 10 तारीख को पीरान कलियर शरीफ में ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के बैनर के तले एक प्रोग्राम इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हमने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है। एक पैगाम इंसानियत ह्यूमैनिटी पीस एंड लव जो हमारी खानकाहों से हमारी मस्जिदों से हमारी मंदिरों से गुरुद्वारों से जो एक प्यार मोहब्बत का पैगाम जो हर वर्क में जाता है उसी के तहत हमने उसी सोच को देखते हुए पॉजिटिविटी फैलाने के लिए समाज में एक ये प्रोग्राम का मुनक्किद किया है। इस मामले पर हनुमान मंदिर के रुड़की पीठाधीश्वर आचार्य रजनीश शास्त्री का कहना है कि उत्तराखंड में ये पहला प्रयास है सर्वधर्म सम्मेलन के माध्यम से सभी धर्मों के धर्माचार्य अपने अपने विचार इसमें रखेंगे। इससे लोगों को जानकारी प्राप्त होगी क्योंकि लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, शांति के मार्ग से ही सभी बातों का हल निकाला जा सकता है। सर्वधर्म सम्मेलन से तात्पर्य यही है कि सब लोग आए अपने अपने धर्मों का अपने अपने स्पीच दें, लोगों को गाइडेंस दें, मार्गदर्शन करें। जो धर्मगुरुओं का कार्य है अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है और ये हर काम शांति से किया जा सकता है। उग्रता से या मैं चीजों को छोड़ दूं या प्रयास नहीं करूं शांति का तो मुझे लगता है कोई भी कार्रवाई सफल नहीं होती। शांति का प्रयास हमेशा उसके लिए दरवाजे खुले रहते हैं और शांति से ही हर चीज का हल निकलता है, मेरा ऐसा मानना है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।